एंड टुडेज टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक दैट इज एरोसोल्स. एरोसोल्स बेसिकली इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. एरो मीन एयर और अ गैस. सोल मीन सोल्यूशन. द प्रोडक्ट यूजिंग सोल सिस्टम इज कॉल्ड एरोसोल. सोल्यूशन हम यहाँ पे बेसिकली यूज करते हैं एंड द सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन अ गैस और एयर. बेसिकली एक सोल सिस्टम हम यूज़ करते हैं और उस सोल सिस्टम के अंदर बेसिकली हमारे पास वो एक मिक्सचर होता है. वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और लिक्विड पार्टिकल्स का भी ये हो सकता है मिक्सचर. और बेसिकली किन के साथ मिक्सचर होगा? गैस और एयर के साथ इनका मिक्सचर हम यूज़ करते हैं और ऐसे इस मिक्सचर को हम एरोसोल प्रोडक्ट का नाम देते हैं. तो डिफरेंट किस्म के जो हम एरोसोल्स अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, अब वो देख लेते हैं कि वो कौन से हैं जो हम डेली लाइफ में एरोसोल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं जो कि सोल सिस्टम पर मुश्तमिल होते हैं. नाउ यू कैन सी दैट द एरोसोल प्रोडक्ट्स दैट वी आर यूजिंग इन अवर डेली लाइफ लाइक एयर फ्रेशनर, हेयर स्प्रे एंड बॉडी स्प्रे. एंड द अदर एग्जांपल्स आर लाइक बेसिकली द इनहेलर्स और जो वो प्रोडक्ट्स जो हम किसी एस्थमा पेशेंट के पास हम रखते हैं तो वो पंप करके जो है वो इनहेल करते हैं एरोसोल प्रोडक्ट को. और इसके अलावा जो इंसेक्ट रिपेलेंट होती हैं जैसे कि हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं वो भी डिफरेंट किस्म की बॉटल्स में और ये आते हैं स्प्रेज आते हैं, उन स्प्रेज में बेसिकली जो सिस्टम यूज़ होता है डैट इज़ कॉल्ड एरोसोल स्प्रे. सो यू कैन से डैट द एरोसोल्स हैव बेसिकली हैव वास्ट एप्लीकेशन इन अवर डेली लाइफ. लाइक यू कैन सी दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल डैट वी आर यूजिंग इन अवर डेली लाइफ. Now question is that how these aerosol basically sprays work and they provide us product and we can spray the basically different products for by using them in for various purpose. Now let's see how do aerosols work. As you can see in the picture, basically I have made a diagram that is showing an aerosol can or a bottle. एक एरोसोल के जो कैन होती है और बॉटल होती है जो कि यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे शो हो रही हैं, इसमें बेसिकली हम यहाँ पे जो ऑपरेटर्स है उसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों से वो मिलकर बना है. यहाँ पे हमारे पास नोजल होती है, यहाँ पे प्रेस बटन है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो बटन है और ये हमारे पास जो है वो स्मॉल नोजल शो हो रही है. ये नोजल के थ्रू जो है वो स्प्रे जो मेन हमारी प्रोडक्ट होती है जिसे हम एरोसोल प्रोडक्ट बोलते हैं वो स्प्रे जो है वो टेनी ड्रॉप्स के थ्रू वो बाहर आती है. जैसे कि आप देख सकते हैं जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो वो क्या है हमारे पास जो है एरोसोल प्रोडक्ट जो है वो टिनी ड्रॉप्स के एयर के साथ जो है वो बाहर आती है. अब इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है नोजल है और इसके साथ जो है वॉल्व अटैच है. अगर वॉल्व बंद है तो जो स्प्रे का जो लिक्विड है जो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वो ऊपर की तरफ नहीं आएगी. हम जैसे ही यहाँ पे बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो ये वॉल्व है बोतल का ये ओपन हो जाएगा और ट्यूब का यहाँ पे एक हमारे पास लंबी पतली ट्यूब होती है उस ट्यूब के थ्रू जो है वो एरोसोल प्रोडक्ट है वो ऊपर की तरफ मूव करती है और नोजल के थ्रू जो है वो बाहर एयर एटमोसफेयर में जो है वो स्प्रे की जाती है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एरोसोल बॉटल के अंदर जो हमारे पास है वो टू किस्म की फ्लूइड्स यूज़ होते हैं. अभी हमने पढ़ा हम एरोसोल में हम एक बेसिकली फ्लूइड यूज़ करते हैं. अपर वो रीजन में फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड बेसिकली इट इज़ चेंज इनटू अ गैस और वेपर अंडर प्रेशर. हम यहाँ पे दो तरह के फ्लूइड यूज़ करते हैं. अपर रीजन में हम जो फ्लूइड यूज़ करते हैं वो रूम टेम्परेचर से पहले ही बॉयल हो जाता है. यानी लेट्स सपोज के ओवर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तो इट जस्ट चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम बेसिकली लिक्विड टू द गैस फेज बिफोर 25 डिग्री सेल्सियस. तो क्या होगा, वो फ्लूइड जो है वो जल्दी से हाई प्रेशर के थ्रू जो है वो अंडर प्रेशर वो गैस में चेंज हो जाएगा. अब उस प्रोपेलेंट उस फ्लूइड को हम प्रोपेलेंट का नाम देते हैं. प्रोपेलेंट मीन बेसिकली वो मेन प्रोडक्ट को प्रोपेल करेगा इन टू अ लॉन्ग ट्यूब और लॉन्ग ट्यूब से नोजल के थ्रू जो है उसको स्प्रे करना. सेकंड फ्लूइड इज़ द मेन प्रोडक्ट दैट वी आर यूजिंग इज़ द एरोसोल प्रोडक्ट. एंड एरोसोल प्रोडक्ट मे बी अ लिक्विड और अ सॉलिड पार्टिकल. और बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे नीचे वाले रीजन में हमारे पास मेन प्रोडक्ट होती है जिसको हम स्प्रे करते हैं. फर्स्ट अपर लेयर में दैट द फ्लूइड दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस फेज बिकॉज इट बॉयल्स
बेसिकली इट बॉयल्स बिलो द रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर से वो पहले बॉयल होगा, बॉयल होने की वजह से क्या हो जाता है, इट विल चेंज इन टू अ गैस फॉर्म, और गैस फॉर्म में आने की वजह से क्या होगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगा, उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे. वो प्रेशर, वो जो वेपर्स हैं वो प्रेशर क्रिएट करेंगे नीचे की तरफ, उसको प्रोपेल करेंगे, नीचे वाली मेन जो हमारी प्रोडक्ट है उसको प्रोपेल करेंगे, एंड वो प्रोपेल करके क्या करेंगे, उसको मूव करेंगे, मूव कराएंगे टूवर्ड्स लॉन्ग ट्यूब, और उस ट्यूब से होता हुआ जो है वो नोजल के थ्रू जो है हमारी मेन प्रोडक्ट बाहर आती है. तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप यहाँ पे जो है आपके पास यहाँ पे कोई भी एयर स्प्रे, हेयर स्प्रे है या कोई बॉडी स्प्रे है, उसको जब आप उसका ऊपर वाला जो बटन है उसको प्रेस करते हो, तो उसके साथ यहाँ पे आपको नोजल नज़र आती है. इस नोजल के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्व नज़र आएगा. जैसे ही आप बटन को प्रेस करेंगे तो बटन को प्रेस करते ही वॉल्व ओपन हो जाएगा. ओपन होने की वजह से ट्यूब का और नोजल का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट फ्लो में ओपन हो जाएगा, यानी कि अब मेन प्रोडक्ट जो है वो इजीली फ्लो करके नोजल के थ्रू मूव कर सकती है. अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो अपर फ्लूइड है दैट विल चेंज इनटू अ गैस फॉर्म. वो ऑलरेडी गैस फॉर्म है क्योंकि वो रूम टेम्परेचर से पहले बॉयल होता है, और जो हमारी मेन प्रोडक्ट है वो रूम टेम्परेचर जो हाई हो, हाई टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर से भी हाई टेम्परेचर पे वो बॉयल होता है, तो वो इतनी जल्दी वेपर फॉर्म में नहीं आएगा. वो प्रेशर क्रिएट करेगा, डैट प्रेशर जो है वो क्रिएट करने की वजह से उसको नीचे की तरफ प्रोपेल करेगा, और हमारी मेन जो प्रोडक्ट है वो लॉन्ग ट्यूब से होती हुई स्प्रे नोजल, नैरो नोजल है उसके थ्रू जाएगी, और ये नैरो नोजल जो है वो बेसिकली उन लिक्विड ड्रॉप्स को टिनी छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज करेगी, और वो आप उसको स्प्रे करेंगे. अब आपको क्लियर हो गया कि एरोसोल जो प्रोडक्ट्स हम जो नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं किस तरह से वर्क कर रही हैं. उनमें हमारे पास दो तरह के फ्लूइड्स यूज़ होते हैं. द फर्स्ट वन इज प्रोपेलेंट फ्लूइड, इज कॉल्ड प्रोपेलेंट बिकॉज इट प्रोपेल द लिक्विड मेन प्रोडक्ट इनटू अ ट्यूब, एंड द सेकंड फ्लूइड इज द मेन प्रोडक्ट दैट इज द बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड और अ सॉलिड पार्टिकल्स विद एयर और गैस. Now you have come to know that these aerosol sprays are used on the basic main this principle. Now the concept is clear to you now. Thanks for watching the video. Allah Hafiz.